नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कानून को आसान भाषा में समझने के इस YouTube चैनल लॉ इजी में। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक प्रकार का क्राइम, एक ऐसा क्राइम जो नॉर्मली हम हर जगह देखने को हमें मिलता है, और इस क्राइम का नाम है डैमेज टू दी प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। आए दिन कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को इंजोर करता है, संपत्ति को डैमेज पहुंचाता है। क्या जानबूझकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाना एक अपराध है? यस, ये एक अपराध है, और इसे इंग्लिश में मिस्चीफ कहा जाता है और हिंदी में इसे रिष्टी कहा जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति बाय मिस्टेक किसी अन्य व्यक्ति की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि यह जानबूझकर किया गया कृत्य नहीं माना जाता है। आइए समझते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना किस प्रकार का अपराध है और हमारे देश का जो पीनल लॉ है इसके बारे में क्या कहता है। सो टुडेज टॉपिक इज संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड रिष्टी, इसे हिंदी में रिष्टी, और इस अपराध का नाम मिस्चीफ होता है। जैसे किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करना, जिसे हम मर्डर कहते हैं, तो मर्डर इज अ लीगल वर्ड। सिमिलरली किसी अन्य व्यक्ति की प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाना, जानबूझकर डैमेज पहुंचाना, इसे रिष्टी अथवा मिस्चीफ कहा जाता है। तो हमारे देश का जो पीनल लॉ है, इंडियन पीनल कोड, उसकी धारा 425 से लेकर 440 तक 15 धाराएं बताई गई इसके बारे में, विभिन्न प्रकार की रिष्टियां इन्हें विभिन्न प्रकार से संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को अपराध घोषित करती है। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं पर्सन और प्रॉपर्टी का एक संबंध होता है, हर व्यक्ति का संपत्ति के साथ एक संबंध होता है। लेकिन यह संबंध सिर्फ कानूनी दृष्टि से दो प्रकार का होता है। एक संबंध होता है ऑनरशिप, जिसे हम स्वामित्व कहते हैं, यानी कोई व्यक्ति संपत्ति का स्वामी हो सकता है और कोई व्यक्ति संपत्ति का पजेसर हो सकता है, यानी कब्जाधारी हो सकता है। जैसे सपोज मैं एक कार मैंने खरीदी है तो आई एम ऑनर ऑफ द कार, लेकिन मैंने वह कार किसी ड्राइवर को चलाने के लिए दी है तो वो व्यक्ति पजेसर हो गया। तो ड्राइवर एक पजेसर हो गया और जिस व्यक्ति ने कार खरीदी वो ऑनर हो गया। तो कार के साथ संबंध दो हो गए, एक कार के साथ संबंध हुआ मालिकाना हक और एक कार के साथ संबंध हुआ कब्जा, यानी जिस व्यक्ति का उस संपत्ति पर आधिपत्य। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पर्सन और प्रॉपर्टी के दो संबंध होते हैं, यानी प्रॉपर्टी यानी व्यक्ति और संपत्ति का संबंध दो होते हैं कानूनी, एक होता है मालिकाना हक और एक होता है कब्जा यानी आधिपत्य। तो ऑनरशिप और पजेशन प्रॉपर्टी से संबंधित एक रिलेशन के नाम है, और जो ऑनर है, जो संपत्ति का मालिक होता है, उसके पास सारे राइट्स होते हैं उस प्रॉपर्टी का, वो जैसे चाहे उपयोग कर सकता है, उस व्यक्ति के पास राइट्स हैं, लेकिन दूसरे के अधिकारों का ख्याल रख के उसको उपयोग करना है। यानी आप अपनी आपकी जो कार है उस कार को आप कहीं भी ले जा सकते हो, लेकिन आपकी जो एक पर्टिकुलर लिमिट तय की गई है कार की, जो मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से, यातायात के नियमों के हिसाब से आप उस कार को उपयोग कर सकते हैं, उस कार को आप बेच सकते हो, उस कार को आप किसी व्यक्ति को अलाउ कर सकते हो, परमिट कर सकते हो, उस कार को आप सेल कर सकते हैं, लीज में दे सकते हैं उस कार को, यानी उस कार के बारे में सारे निर्णय, इवन आप उस कार को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, यानी अपनी कार को ही आप डिस्ट्रॉय कर देंगे तो भी ये किसी प्रकार का अपराध नहीं है। तो इस प्रकार ऑनर के पास सभी प्रकार के अधिकार होते हैं, मीन्स ऑनर हैज ऑल काइंड्स ऑफ राइट्स ओवर दी प्रॉपर्टी। तो ऑनर के पास सभी प्रकार के राइट्स है, लेकिन क्या कोई अन्य व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकता है? बिल्कुल नहीं, ये एक अपराध हो जाएगा। तो जो व्यक्ति डैमेज पहुंचाता है, दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को हानि पहुंचाता है, डिस्ट्रक्शन मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा देता है अदर्स प्रॉपर्टी, तो ये एक प्रकार का अपराध होता है। इस अपराध का नाम है मिस्चीफ, इसी को ही रिष्टि कहा जाता है। आईपीसी की धारा 425 में इसे परिभाषित किया गया है। रिष्टि क्या होता है इसके बारे में आईपीसी की धारा 425 को हमें देखना चाहिए। जो व्यक्ति जानबूझकर इंटेंशनली उसका आशय है कि दूसरे व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाना, मतलब उसे सदोष हानि पहुंचाने के उद्देश्य से, या उसको नॉलेज है, मतलब इस चीज का ज्ञान है कि वो जो एक्टिविटी कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, उसे अन्य व्यक्ति की प्रॉपर्टी में नुकसान पहुंच सकता है, इस ज्ञान और आशय के साथ जो व्यक्ति अन्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा वह एक प्रकार का अपराध माना जाएगा, इट इज कॉल्ड मिस्चीफ, और इसी को मिस्चीफ कहा जाता है। हम दो चार उदाहरण देख लेते हैं। एक उदाहरण है थ्रो द स्टोन, एक व्यक्ति ने जानबूझकर पत्थर उठाया और दूसरे व्यक्ति के शीशे तोड़ दिए, भले वो कार के शीशे तोड़ दिए, घर की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए, तो इट इज अ काइंड ऑफ ऑफेंस, ये ऑफेंस हो गया क्योंकि उस व्यक्ति ने जानबूझकर पत्थर से किसी अन्य व्यक्ति के शीशे तोड़े। एनिमल, यदि हमने जानबूझकर अपने एनिमल्स जो हैं, यानी कैटल या काऊ बफेलो, उसको किसी व्यक्ति की फील्ड पे डाल दिया, फील्ड यानी खेत पे डाल दिया जहां पर उसकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई, उसकी फसलें डिस्ट्रॉय हो गई, तो ये भी एक प्रकार का अपराध माना जाएगा, इसी को मिस्चीफ कहा जाता है, ये ही रिष्टि है। एक व्यक्ति नई कार लाया और किसी व्यक्ति ने उसको आयरन रॉड से या किसी अन्य चीज से उसके ऊपर स्क्रेच कर दिया, तो उसकी वैल्यू कम हो गई, कार की वैल्यू कम हो गई,
ये भी एक प्रकार का मिसचीफ है। जरूरी नहीं कि प्रॉपर्टी पूरी डिस्ट्रॉय हो, उस प्रॉपर्टी की यूटिलिटी और वैल्यू भी कम हो जाती है, तो ये भी एक प्रकार का मिसचीफ ही होता है, ये भी एक मिसचीफ वाला अपराध है। एक व्यक्ति ने अन्य व्यक्ति के घर में आग लगा दी, केरोसिन छिड़क के आग लगा दी, तो ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है, तो ये भी मिसचीफ ही कहलाता है। अब आप समझते हैं, यानी मिसचीफ में रॉन्गफुल लॉस होता है, मतलब एक व्यक्ति को जो डिस्ट्रॉयर है, जो अपराधी है, उसको तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन वो दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, इसको रॉन्गफुल लॉस कहा जाता है, भले वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, वेदर इट में भी लोक संपत्ति हो अथवा निजी संपत्ति हो, डिमिनिश द वैल्यू, उसकी वैल्यू कम करने को भी मिसचीफ ही कहा जाता है। अगर यही काम निग्लिजेंटली यानी उपेक्षा पूर्वक लापरवाही से हो, या यही काम एक्सीडेंटली मतलब दुर्घटनावश हो जाए, तो यह अपराध नहीं होता है, नो मिसचीफ, इसे मिसचीफ नहीं माना जाएगा, क्योंकि व्यक्ति में दुराशय नहीं था, लेक ऑफ मेंसरिया, मतलब व्यक्ति में दुराशय की कमी थी, यानी उसने जानबूझ के नहीं किया, उससे यह चीज दुर्घटनावश हो गई है, या यह जो अपराध हुआ है वो निग्लिजेंटली लापरवाही पूर्वक हुआ है, तो यह अपराध नहीं माना जाएगा। आईपीसी में जो 15 धाराएं हैं उसको अलग अलग तरीके से आईपीसी के जो ड्राफ्टर थे मैकॉले ने अलग अलग तरीके से मिसचीफ को बताया है, जैसे मिसचीफ वैल्यू ऑफ डैमेज, यानी कितना कितना नुकसान पहुंचाया, उस हिसाब से अपराध तय किए गए कि व्यक्ति ने कितना नुकसान पहुंचाया। नेचर ऑफ प्रॉपर्टी, फिर प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी के नेचर के हिसाब से संपत्ति की प्रकृति के अनुसार भी कुछ बातें तय की गई है। एनिमल्स को नुकसान पहुंचाना या इरिगेशन यानी सिंचाई के साधनों को नुकसान पहुंचाने के लिए अलग सेक्शंस बनाए गए हैं। पब्लिक रोड पे, पब्लिक ब्रिज पे या ड्रेनेज लाइन में नुकसान पहुंचाना, इसके लिए कुछ अलग सेक्शंस दी गई है। और एक कुछ सेक्शन ऐसी दी गई जो आर्सन के बारे में, आर्सन को हम कहते हैं आगजनी, आगजनी से यदि कोई व्यक्ति यानी फायर से, आग से या एक्सप्लोजिव पदार्थ यानी विस्फोटक पदार्थ से, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस से जो व्यक्ति नुकसान पहुंचाता है, वो एक थोड़ा एग्रीवेटेड फॉर्म माना गया है, और इसी में आजीवन कारावास बताई गई है। मतलब 436 यानी 436 में जो व्यक्ति मिसचीफ बाय फायर यानी अग्नि से रिश्ती करता है, उसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की सजा दी गई है, लेकिन बाकी सारी धाराओं में सजाएं बहुत कम है, इसमें बहुत रिफॉर्म की जरूरत है। लो पनिशमेंट्स बहुत कम है, फाइन जो है वो 50-50 रुपए, 100-100 रुपए, 200-200 रुपए अभी भी रखा गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो वर्तमान में मिसचीफ संबंधित जो कानून है उसमें परिवर्तन की बहुत जरूरत है, रिफॉर्म यानी सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि अनेक माइनर एक्ट बन चुके हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन एक्ट बन चुका है, लेकिन फिर भी मिसचीफ की जो धाराएं हैं उसमें रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, इट इज ऑल अबाउट थिंग्स रिगार्डिंग मिसचीफ अंडर द आईपीसी। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।